अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है ना, ब्रेक कर रहा है। प्रीवियस में बैंक निफ्टी इस हाई से पहले नहीं किया था, तो आज बैंक निफ्टी अपना इस हाई को क्या किया, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसको लाइन चार्ट में कर ले रहे हैं पहले। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज करें। इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ता है उस टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इससे हम लोग टारगेट का पता लगाएंगे। यानी कि हम लोग अभी क्या करेंगे, टारगेट निकालने के लिए पहले हम लोग लो पे कर्सल को रखें। बैंक निफ्टी यहाँ से लो बनाया था, उस लो पे कर्सल को रखे हैं, फिर हाई पे हम लोग क्या किया, कर्सल को रख दिए, फिर इसको क्या किया, हम लोग डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर दिए। यही किया है ना, इस बार टारगेट कितना है यहाँ पे गोल्डन रेशियो का, 46,139। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें। अब ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन जो हम लोग यूज करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करके कर रहे हैं, मतलब कि लाइन चार्ट में गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 मिनट करेंगे। तो 5 मिनट में देखेंगे तो क्या, तो मार्केट यहाँ पे ये हाई बना के देगा और ये हम लोग को एक नया लो मिल रहा है। तो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के संग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी अच्छा होगा, क्योंकि लाइन चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और होता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको ड्रॉ किए तो यहाँ पे हम लोग का जो टारगेट है, ठीक, एक्यूरेट मार्केट टारगेट से रिवर्स हुआ है। यहाँ पे ये गोल्डन रेशियो जो है मार्केट, वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। हम लोग सिर्फ एक गलती क्या करेंगे किए थे अभी स्टार्टिंग में, कि हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ किए थे। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर, देखिए लाइन चार्ट का क्या होता है ना, आप इसको जैसे जैसे चेंज करेंगे टाइम को, जैसे अभी हम लोग 5 मिनट में इसको ड्रॉ किए, इसको अगर आप 15 मिनट में करेंगे तो इसका देखिए कुछ और यहाँ पे बता रहा है ना। 15 मिनट से हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो लाइन चार्ट कुछ और बताएगा, देख रहे हैं लाइन चार्ट और चेंज हो जा रहा है। फिर 45 मिनट से हम लोग 1 आवर में आते हैं तो 1 आवर में कुछ और हो जा रहा है। तो इसको आप जितना छोटा टाइम फ्रेम में करके देखेंगे आपका एक्यूरेसी उतना ज्यादा हाई मिलेगा। क्लियर है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जब भी ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यूज कीजिएगा तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में करने के बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको एक्यूरेसी एकदम 100% अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे अपना हाई और लो दोनों मिला था, हम लोग क्या किए लो से हाई को क्या किए मिला दिए। अपना गोल्डन रेशियो का टारगेट था 46,199 और बैंक निफ्टी देखिए ठीक उसी हाई के पास पहुंच के रिवर्स हो गया।